नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके तारे, आपके साथ मैं हूं संजीव और आपके साथ बने हुए हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। आपके आने वाले पलों पर अपनी पैनी नजर बरकरार रखते हुए ज्योतिष गुरु अपने बरसों के तजुर्बे से आपकी जिंदगी को कुछ बेहतर, कुछ आसान करने की कोशिश करते हैं, आसान से लफ्जों में। तो यही कोशिश हमारी आज भी रहेगी। आपको पूरे मन से रहना होगा हमारे साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ 24 फरवरी शुक्रवार का आप सबका राशिफल लेकर। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके 24 फरवरी के दिन पर नजर डालते हैं। शुक्रवार का दिन है, सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ संतुलित रहे, इसके लिए आपको नोट करना होगा कि आपसे क्या बताते हैं ज्योतिष गुरु टिप्स में। मेष राशि वालों के लिए काम ही आपका धर्म है और काम ही आपकी पूजा। इस समय कोई और बात आपके जहन में आई, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने जैसे बाकी सब कुछ भुला रखा है। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी में मेहनत करने के मौके भी रोज रोज नहीं मिला करते। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें आपको अपने फोकस को बनाए रखना होगा, तभी जाकर वो लाभ और वो संतोष मिल पाएगा जो आप चाह रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? कुछ हालात ऐसे भी बनते चले जा रहे हैं कि विचार ना मिले। आप अपनी ओर से ऐसी परिस्थिति ना बनने दें कि लोग आपकी कमियों को ही देखें। अपनी अच्छाइयों को उजागर करने के लिए लोगों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वालों को मेहनत से ज्यादा बढ़कर भाग्य से उम्मीद है और भाग्य आपका इस समय उतना साथ नहीं दे रहा जितना कि होना चाहिए, उतना साथ नहीं दे रहा। यही कारण है कि आपको अपनी उम्मीदों में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो लाना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत को बढ़ाना है तो निरंतर हालात के साथ जूझना होगा। अपनी मेहनत से ही अपने प्रदर्शन को बेहतर किया जा सकेगा। घर परिवार के रिश्तों को बनाए रखने का अच्छा समय है। कोई प्यार का रिश्ता भी दस्तक दे रहा है जैसे। क्या ना करें इस समय में? किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद में कोई बड़ा खतरा मोल ना ले। ऐसा कुछ ना होने दे जिसके चलते काम काज से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाएं। अपने आसपास के लोगों के खिलाफ बिल्कुल ना जाएं। तो ये वक्त अपने आसपास के लोगों के खिलाफ जाने का नहीं है, यानी उनकी मुखालफत करने का नहीं है, उनका विरोध करने का नहीं है। सवाल लेने का वक्त है ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आता है सुनील कुमार सोनी का। डेट ऑफ बर्थ 5/4/1989, 1:35 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है भोपाल। रेगुलर दर्शक हैं हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप ही लोग हमारी ताकत हैं, हमारी प्रेरणा बनते हैं। करियर को लेकर चिंतित हैं, एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं जिसकी तैयारी भी कर रहे हैं। सफलता आसपास आती है फिर रूठ कर चली जाती है, कामयाबी इन्हें मिल नहीं पाती है। कैसे सफलता मिलेगी ये इनका सवाल है आपसे। सुनील, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतरदशा चल रही है सूर्य की मई 2017 तक। कई एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उतना फोकस नहीं है, उतनी तैयारी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, इसलिए मन का भटकाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आगे चल के मई 2017 से आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि उस वक्त आपको इस बात का आभास होगा कि जैसे समय हाथ से निकलता चला जा रहा है। तब जाके आपको ये समझ आएगी कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और फिर उस मेहनत का फल मिलेगा जाके कहीं जनवरी फरवरी 2018 में, ये कह लीजिए जनवरी से मार्च 2018 में, वहाँ पे जाके आपको सफलता मिल सकती है। तो क्यों ना अभी से उस कोशिश को बढ़ा दिया जाए। मई 17 से आप पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करेंगे, फिर जनवरी से मार्च 18 में आपकी सफलता का समय है। यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इस समय तैयारी थोड़ी इनकम्प्लीट है, जिसे पूरा करने का समय है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि, आपके लिए देखते हैं समय कैसा है और इस समय को कैसे अच्छा समय बनाया जाए। देखिए, बहुत संभावना होती है, बहुत ताकत होती है आपके अंदर। उस ताकत को हम कहीं शायद पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आपकी उसी ताकत से आपका परिचय कराता है आपके तारे, आपको ये बताकर कि आप क्या कर सकते हैं, किन चीजों से बच सकते हैं। मिथुन राशि वाले पैसा बचाने के बदले पैसा फंसाते चले जा रहे हैं। ये हालात कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपनी सूझबूझ से संभालने की जरूरत पड़ेगी। जज्बाती होकर फैसले करने से गलती भी हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को संवारने के लिए भरसक प्रयास करना पड़ेगा। इस समय अपनी मानसिकता को बिगाड़कर अपनों से दूरियां बना लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। मन को शांत करेंगे तभी जाकर आप लोगों की अच्छाई को समझ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? लोगों से जुड़ने के जो भी मौके मिले उन्हें हाथ से न जाने दें। अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अपना हाथ पीछे न खींचे। इसी वजह से अपने पैसे की प्लानिंग में कोई गलती कर लेना इस समय ठीक नहीं।
कर्क राशि वालों को अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। घर परिवार में भी अपनों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। अपनी अच्छाई बनाए रखने में ही फायदा है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी मेहनत कम होती चली जा रही है, जिसे सुधारने की जरूरत है। हर छोटी बात को परेशानी की नजर से ना देखें, इससे गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। बहुत बचकर निकल जाने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? इस समय रिश्तों को बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। आपकी कोशिशों के बावजूद शायद आप लोगों की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से कुछ तकरार की सी स्थिति भी बनी हुई है। ऐसा कुछ ना होने दें जिससे बात बिगड़ जाए। सिंह राशि वाले उधार लेने का ना सोचें, बल्कि उधार को चुकता कर दें। और इस बात के विपरीत अगर कोई आपसे उधार मांग रहा है तो अपनी सूझबूझ के साथ उस बारे में भी सोचा जा सकता है। कारण यह है कि इस समय आपको लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को संवारने के लिए अपने मन में बैठी हुई परेशानियों को हटा देना होगा। साफ दिल से सोचेंगे तो आपको वो तस्वीर भी सुखद नजर आएगी जो आपके लिए बनती चली जा रही है। किसी का दिल जीतने की कोशिश जरूर कर लें। क्या ना करें समय में? अपनी बातों में ना तो असंतोष जाहिर करें और ना ही अपनी बात को बार बार बदलें। ऐसा करने से आप अपने लिए रुकावटें पैदा करते चले जा रहे हैं। रिश्तों में किसी भी बात को इस समय बिगड़ने ना दें। कन्या राशि वाले अगर इस समय बहुत ज्यादा व्यवहारिक विचार बनाएंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। अपने मन में थोड़ी सी संवेदना भी पैदा करनी होगी, तभी जाकर आप लोगों की बात को और लोगों की परेशानियों को समझ पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप उन्हें कितना समझते हैं। लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को समझेंगे तभी अपने मन में बनाई हुई परेशानियों को हटा पाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन कोशिश कर लें। क्या ना करें समय में? निजी जीवन में किसी भी तरह की परेशानियों को बिल्कुल ना पैदा करें। रिश्तों से जुड़ा कोई भी मसला क्यों ना हो, लोगों की बात को समझने में अपनी ओर से कोई गलती ना करें इस समय। घर परिवार की खुशियों को किसी भी तरह से कम कर लेना ठीक नहीं है। आने वाले 15 दिन तक हर रोज शनिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाएं, आपकी इस समय की परेशानियों का समाधान जरूर हो जाएगा। तो आप जिस किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, जरूरी नहीं कि आप मंदिर ही जाएं, आप पूजा स्थल पर जाएं, आप प्रार्थना स्थल पर जाएं, वहां पर ऊपर वाले से सच्चे मन से प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और ये जो मुश्किल है ये दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की ज्योतिष गुरु। अगला सवाल हमारे सामने आता है प्रवीण वैष्णव का। 7/1/1980 10:45 रात में इनका जन्म हुआ है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के। कोर्ट के एक मामले में उलझे हुए हैं, कब तक उस अदालती चक्कर से मुक्ति मिलेगी, अंजाम क्या होगा, इसको लेकर भी चिंतित हैं, जीतेंगे हारेंगे और इसी से जुड़ा भविष्य। प्रवीण, आपकी कुंडली है जी सिंह राशि की, आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतरदशा चल रही है बुध की जनवरी 2019 तक। आपने कहा है कोर्ट केस चल रहा है, उसमें क्या होगा, सफलता मिलेगी क्या होगा, ये परेशानियां रहती हैं और कोर्ट से जुड़े जो मामले हैं व्यर्थ में लटकते चले जाते हैं। आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसा योग है कि ये परेशानियां लंबे समय तक चल सकती हैं, इस बात को समझिए। और आगे चल के ये जो कानूनी जो परेशानियां हैं इसमें कहीं जाके आपको सफलता मिलती है वो समय बनता है जी 2020 में, तो बहुत जल्दी कुछ होने वाला नहीं है, अभी समय लगेगा और शायद 2020 में जो योग है उसकी वजह से आप इस परेशानी से भी हट जाएं और उस समय आपके हित में हो जाए ये बात सारी। ये कानूनी चक्कर परेशान करते हैं, थोड़ा अभी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, अपनी तरफ से प्रयास अपने जारी रखिए, 20 तक ये जो मसला है ये सुलझ पाएगा। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि कैसे हैं आपके आने वाले पल। 24 फरवरी शुक्रवार की हम बात कर रहे हैं, इस दिन को समझना बहुत जरूरी है इसे अच्छे ढंग से जीने के लिए। तो पहले समझिए अपने राशिफल में और फिर जीना कैसे है उसके लिए, क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों को बाकी सारी चीजों को भुलाकर घर परिवार को अहमियत देनी होगी। इस बदलते हुए समय में उनकी बात का मान रख लेना बहुत जरूरी है। लोगों से जो भी फासले बढ़े हुए हैं उन्हें भी संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? पढ़ाई लिखाई की दिशा में मेहनत करने का समय है। हर दिन और हर पल इस प्रयास को बनाए रखने की कोशिश करनी होगी आपको, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह का फैसला करने से पहले सोच लें कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, और एक बार फैसला कर लें तो उसे फिर बार बार बदले भी नहीं। कोई ऐसा फैसला भी ना करें जिसका असर आपके रिश्तों पर आए।
वृश्चिक राशि वालों को ऐसे सभी विचारों को अपने मन से हटा देना होगा कि तकदीर आपके लिए क्या करेगी, बल्कि अपनी मेहनत से अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। अपनी सोच को इस रूप से बदल लें तो आपको फायदा जरूर होगा। क्या करना चाहिए समय में? यह समय आपको बहुत फायदा दे सकता है, बशर्ते आप अपनी कोशिशों में और केंद्रित हो जाएं। निजी जीवन में भी और घर परिवार से भी खुशियां बनती चली जा रही हैं। अच्छा समय है, इस समय को पूरी तरह से जी लीजिए। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़े हुए उतार चढ़ाव है मन में, दो कदम आगे बढ़ने का मन करता है लेकिन आपकी सूझबूझ उसे चार कदम पीछे खींच लेती है। ऐसे समय में कोई भी बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं है। किसी प्यार के रिश्ते में कोई बड़ी उम्मीद ना लगाएं। धनु राशि वाले अपने पैसे को कहीं फंसाने का बिल्कुल ना सोचें, बल्कि अपने पैसे को बचा लें। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे और अपने भविष्य का सोचेंगे। अपने मन से ऐसे सभी विचारों को हटा देना होगा जो आपके पैसे को किसी खतरे में डालते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा, अपनी कार्यशैली को भी थोड़ा सा बदलना होगा और आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपकी इच्छा अनुसार ही बन रहा है। बहुत व्यवहारिक नजरिया बनाकर अपने कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उसमें उतार चढ़ाव ना पैदा होने दें, खर्चों को भी ना बढ़ने दें और नुकसान से भी बचें। पैसे की वजह से किसी से भी उलझ जाना इस समय ठीक नहीं। मकर राशि वाले हमेशा लोगों का सोचते रहे हैं लेकिन ये समय खुद अपने बारे में सोचने का है। कभी कभी अपनी जरूरतों को पूरा करना भी लाजमी हो जाता है। क्या करना चाहिए समय में? भाग्यशाली समय कहूंगा क्योंकि बहुत कुछ आपके हित में भी और अचानक लाभ के रूप में भी बनता चला जा रहा है। जो लोग आपके खिलाफ थे अब वो भी आपकी मदद करना चाह रहे हैं। ऐसे अच्छे समय में अपने जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। क्या ना करें समय में? खुद अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। ऐसा ना सोचें कि कोई बड़ा कदम उठाकर बड़ा लाभ हो जाएगा। इस समय अपने फैसलों में गलती करना या अपने पैसे को किसी गलत जगह फंसा लेना ठीक नहीं। कुंभ राशि वालों के लिए अगर किसी भी तरह की बीमारी से जुड़ी परेशानी है तो उसका इलाज भी करवाना होगा। अगर किसी भी तरह का झगड़ा है तो उसे निपटाना भी होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने लाभ को अगर बनाना है तो अपने नुकसान की स्थिति को बचाना होगा। क्या ना करें समय में? अपने सूझबूझ में इस समय कोई कमी ना आने दें। जल्दबाजी में किए गए फैसलों से गलती ही हो जाती है। मीन राशि वालों को जिंदगी को बहुत व्यवहारिक नजरिए से देखने की जरूरत है। रिश्ते और भावुकता अपनी जगह है लेकिन उनके चलते अपना नुकसान कर लेना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? काम काज में अगर किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो उसे कर लें ताकि उसका पूरा लाभ आगे चल के आपको मिल सके। क्या ना करें समय में? अपने विचारों में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बिल्कुल ना बनने दें। लोगों को नजरअंदाज करके लोगों से फासले भी ना बनाएं। तो बस एक कोशिश इस समय आपको करनी है, ऐसा कुछ न करें न बोलें जिससे कोई आपसे नाराज हो। हमारा आईडी है आपके तारे @aajtak.com जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो अभी के लिए चाहेंगे आपसे इजाजत, इसी वक्त इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।